कोरोना महामारी से बचाव को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन जहां प्रयास कर रही है, वहीं अब बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है 9 महीने दूसरे डोज के बाद। आज इसी के तहत हमारे द्वारस इलाके के विशेष समाज सेवी राजेश प्रधान ने बूस्टर डोज लगाया। देखिए राजेश प्रधान से खास बातचीत का यह अंश। बानरहाट सहित विभिन्न सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध है। दर्शक बिंद, हमारे समक्ष है अभी द्वारस इलाके के जाने माने समाज सेवी पत्रकार राजेश प्रधान जी। आज राजेश जी, बूस्टर डोज की शुरुआत हुई, आपने भी बूस्टर डोज लिया, क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे इस कोरोना वायरस से बचाव के लिए बूस्टर डोज के विषय में? देखिए रमन जी, इन दिनों पूरा विश्व ही कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहा है। लाखों लोग इस कोरोना के ग्रास हुए हैं, तो कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय जो है वो टीकाकरण है। इस टीकाकरण अभियान में हम लोग सभी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे हम सभी को मालूम है कि इन दिनों फिर से कोरोना पूरे प्रदेश में दस्तक दे रही है, और ओमिक्रॉन जैसे कोरोना का जो नए वायरस जो पूरे देश प्रदेश में लोगों को अपना शिकार बना रही है, तो जिस प्रकार से भारत सरकार हो चाहे पश्चिम बंगाल सरकार, जिस तरह से टीकाकरण में तेज़ी ला करके लोगों को सुरक्षा के लिए जिस प्रकार से कार्य कर रही है, वो काफ़ी सराहनीय कार्य है। और इस टीकाकरण अभियान में हम सभी को आगे आना चाहिए, एवं मैं सभी लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जो सरकार का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का हम लोगों को पालन करना है। फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना है, इसके साथ साथ बार बार साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना, और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हम लोग टीकाकरण अभियान में अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें, एवं इसको लेकर के जगह जगह पर जागरूक करने का भी हम लोगों को कार्य करना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग टीकाकरण अभियान में पीछे छुटे हुए हैं। उनको सर एक चीज़ देखा जाता है कि बाजारों में अभी भी काफ़ी भीड़ भाड़ हो रहा है, लेकिन भीड़ भाड़ के दौरान लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मानवीय दूरी का ख्याल नहीं रखते हैं। पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इतना जागरूकता अभियान कर रहा है, पत्रकार द्वारा भी हम लोग भी लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन इसका असर बहुत ही कम लोगों पर दिख रहा है। इसको लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि विशेष करके जिस तरह से भीड़ भाड़ जगह जगह में हो रहा है, और लोग जो है सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है, ये उसमें अशिक्षा का भी कमी है। कुछ कुछ शिक्षित लोग भी इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, इसके लिए अपने आप को ही जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने आप को ही जागरूक नहीं करेंगे, तो हम लोग समाज का माने समाज का विकास और समाज को किस प्रकार से इस रोग से हम लोग बचा पाएंगे। इसीलिए सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो सरकारी जो गाइडलाइन है उसको पालन करें, और पुलिस का भी सहयोग करें, और इसके साथ साथ जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर जिस तरह से कोरोना की लड़ाई में उन लोग अपनी काम को निर्वाह कर रहे हैं, उनकी भी हम सराहना करते हैं। और साथ साथ कोरोना से लड़ने के लिए लोग टीकाकरण के लिए आगे आए, और सरकारी गाइडलाइन को भी पालन करें, और लोगों को भी सचेत करें, और उन्हें भी समझाएं कि हम लोगों को कोरोना की गाइडलाइन पालन करके ही हम लोग कोरोना जैसे महामारी से बच सकते हैं। आपने आज तीसरी डोज लिया, यानी कि बूस्टर डोज लिया आपने कोरोना का, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो विभ्रांत फैलाते हैं कि कोरोना अब चला गया नहीं है, अब ये सब चीज़ों को इग्नोर करने का कहीं कहीं जो है ये भ्रम फैलाते हैं। तो आपने इस अभी जो बूस्टर डोज लिया, कैसा अनुभव हो रहा है, और लोगों को इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों को भ्रम नहीं पालना चाहिए, क्योंकि अगर यदि हम भ्रम में रहेंगे तो यह रोग जो है फिर से हम लोगों को जकड़ सकता है। इसीलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने आज बूस्टर डोज लिया, उसी प्रकार से अन्य लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि अपना जो समय काल पूरा होने के पश्चात अवश्य बूस्टर डोज लगाए, और इस कोरोना की महामारी की जंग में अपना हाथ आगे बढ़ाए। अच्छा राजेश सर, बूस्टर डोज कितने दिनों के बाद में, सेकेंड डोज लगाने के कितने दिनों के बाद में लेना चाहिए? ये तो स्वास्थ्यकर्मी ही बता सकते हैं, लेकिन जैसे मुझे जानकारी आज मिला है कि प्राय 9 महीने के पश्चात दूसरे डोज लगाने के बाद में बूस्टर डोज लेना आवश्यक है। विशेष करके अभी बुजुर्ग और जो फ्रंटलाइन वर्कर और
जिसका 9 महीना पूरा हो चुका है वही बूस्टर डोज लगाने के लिए यहाँ पर अस्पताल में पहुँच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको एनआईडीवास न्यूज़ की तरफ से। धन्यवाद रमन जी।